नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। दुर्दशा, अब ये शब्द भी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला लगता है क्योंकि आए दिन इन हालातों पर बात की जाती है, लेकिन फिर भी कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आता। आज बात हो रही है नगर के वार्ड क्रमांक 9 में संचालित पशु अस्पताल की, जो अपनी दुर्दशा पर आज आंसू बहाते हुए नजर आने लगा है। सुविधा का केवल नाम ही नाम गूंजता हुआ सुनाई देता है और स्टाफ की कमी अलग से, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की सुरक्षा भी नहीं हो पाती है। रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व अस्पताल परिसर के अंदर बैठकर नशाखोरी भी करते हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों के द्वारा पत्राचार भी किया गया, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया। और ये पत्राचार एक बार नहीं, बार बार लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। विषय कितना संगीन है, विषय कितना चिंताजनक है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। एक बाउंड्री वॉल के बिना कोई भी निर्माण कार्य अधूरा है। जब कोई निर्माण कार्य करते हैं तो उसके सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है एक बाउंड्री वॉल। अब इसके न होने की वजह से कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका जायजा आप लगा सकते हैं। असामाजिक तत्वों की जैसे हमने बात की, आए दिन प्रवेश होते रहते हैं, उनके द्वारा अंधेरे में बैठकर नशाखोरी की जाती है। अब बाउंड्री वॉल न होने की वजह से कई बार चोरी की घटनाएं भी सामने निकल करके आई हैं। इतना सब हो गया लेकिन निर्माण कार्य ही नहीं हुआ। अब आखिर कितनी बार आम जनता अपने मौलिक अधिकारों के लिए प्रशासन के समक्ष भीख मांगती रहेगी? अब आखिर कब तक प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागेगी? आखिर कब तक प्रशासन को ये याद दिलाना होगा कि उनका धर्म ही लोगों की मुसीबतों को हल करना है? यूं तो आए दिन निरीक्षण करते रहते हैं अधिकारी, लेकिन बात जब असल में कुछ करने की आती है तो अक्सर प्रशासन अपने वायदों से भटकती हुई नजर आने लगती है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने का किसी के पास समय नहीं है। क्या इस प्रकार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा कोतमा जिला? विषय चिंताजनक है, और वो भी क्यों ना, निर्माण कार्यों का जो ठहरा, जो हर आम व्यक्ति की जरूरत है। इस विषय पर वोकल न्यूज शहडोल ने पहले भी एक नजर डाली थी, लेकिन आज महीना भर हो चुका है फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं उबड़ा। उम्मीद यही होगी कि प्रशासन जल्द से जल्द अपनी नींद से जागे और लोगों को हो रही मुसीबतों का जायजा ले। धन्यवाद, आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।